पॉक्सो के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो उस लड़के पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। थानेदार साहब, थानेदार साहब, मैं थानेदार साहब सुनिए, पता नहीं कैसे गलती हो गई थानेदार साहब, सॉरी। भाई चाचू फोन छोड़ो और ये देखो कि प्रबल चाचू और वीर चाचू अभी तक नहीं आए। उनकी डेट ठीक तो गई होगी ना? अर्निका थोड़ा पॉजिटिव सोच, देख बाहर बारिश हो रही है, मतलब रोमांस के लिए परफेक्ट मौसम, परफेक्ट डेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आज रात के लिए बुलबुल यहीं रुकेगी, यहाँ रहेगी तो कोई बात होगी तो मुझे बता सकती है, इन्फॉर्म कर सकती, और यहाँ रहेगी तो आप लोगों को भी थोड़ा बेहतर लगेगा। बाकी गाड़ी भेज दूंगा मैं कल लेने के लिए। कोई बात नहीं थानेदार साहब, मैं बस से आ जाऊंगी। ठीक है। सच में थानेदार साहब को दुख पहुंचा है, अब पता नहीं मारे को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनकी नाराजगी खत्म हो सके। बाबा साहब इससे बाबा साहब इतना मत सोचिए, थानेदार साहब ने कहा ना वो सब संभालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको बहुत घाव लगा है, लाइए मैं इस बर्फ की थैली से ना आपकी सिकाई कर देती हूँ। जीवन का सबसे बड़ा घाव तू है, तू हमेशा की तरह ये जड़ बुद्धि आ गई मारा काम खराब करने के लिए। कितने महीनों बाद मारे को बिजली बुआ सा के साथ कुछ करने का मौका मिला था लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ मैडम जी? मारे को लगा था कि थारे को कम से कम 3-4 बार बिजली का झटका देने का सौभाग्य मारे को प्राप्त होगा, उसके बाद थारे मुँह से सच्चाई फूटेगी। अरे लेकिन थारी बीवी वो तो एक नंबर की डरपोक निकली, जैसे उसके सामने बिजली बुआ सा को लेकर आए सारी सच्चाई खुद ही उगल दी उसे। क्या उगल दिया मैडम जी? यही कि सारी प्लानिंग थारी थी, कैसे तूने अपनी बेटी के सासुरों वालों से सच छुपाया, कैसे उन्हें ना बताया कि छोरी नाबालिग थी और उसका ब्याह करा दिया, सारा किया धरा थारा ही है ना, सब बता दिया उन्होंने। नहीं नहीं मैडम जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कुछ ना बोल रही, ये सब तो थारी प्रिय पत्नी जी बोल रही है। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि मैंने तो उनसे कहा था कि छोरी नाबालिग है, उसका ब्याह मत कर, लेकिन वही नहीं माने, उन्होंने ब्याह करा दिया उसका। देख अब थारी पत्नी ने ये सब बोल के तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब फंसेगा तो सिर्फ तू फंसेगा। ऐसे कैसे मैं फंस सकता हूँ? 100% झूठ बोल रही है मैडम जी, झूठ बोल रही हो। ठीक है अगर वो झूठ बोल रही तो तू ही सच बता देना। मैडम जी सच तो ये है, साहब मैंने फंसा रहा है, वो आदमी एक नंबर का झूठा है, सारी जिंदगी यही करता आया है, सच्ची बोलू साहब, साहब मैंने फंसा रहा है साहब, सच्ची बोलू। अब आप जाओगी जेल और आपका पति बनेगा गवाह, तो इसलिए जैसे ही बड़े साहब आए उन्हें सब सच बता देना। अब जो जो बात मारे को बोली है ना यही बस एक एक बात साफ साफ बड़े हुकुम के सामने बोल, वरना थारी बीवी बनेगी गवाह और थारे को मिलेगी सजा और तू जाएगा सीधा जेल, जेल के अंदर। इंस्पेक्टर बबल, मिशन कंप्लीट कंप्लीट। थैंक यू ध्रुव भाई साहब,
थैंक यू बड़ा वाला, थैंक यू। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच। हुकुम? अरे क्या हुकुम, आप पीछे पड़े। अरे हुकुम, वाने दर्शन, चुप 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 ना पड़ेगा। वाने नहीं, वाने वा 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 वा, चलो चलो चलो। साहब जी, अरे 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 साहब जी, माफ कर दो साहब जी, मेरी कोई गलती ना, कुछ ना किया मैंने, सारा झूठ इन्होंने बोला साहब। साहब जी मारो लोग झूठ बोल रही है, यही औरत है जो हमारे से कह रही थी कि मेरी नलिनी की उम्र उसके ससुर वालों को सच ना बताना, झूठी है साहब जी। हमें पता था साहब, हमारी छोरी 18 साल की नहीं है। हमने जानबूझकर उसके ससुराल वालों से उसकी उम्र छुपाई साहब, और झूठ बोलकर उसकी शादी करवा दी। हुकुम, इन्होंने तो सारा सच उगल दिया, लगता है आपसे डर गए। मुझसे पहले यहाँ कोई आया था क्या? नहीं हुकुम, कोई नहीं आया। तो एकदम से सच कैसे बोल रहे हैं दोनों? आपसे डर गए होंगे। खड़े हुए आप दोनों? आप दोनों ने लड़की की सही उम्र लड़के वालों से छुपाई और नाबालिग लड़की की शादी करवा दी। झूठ पर झूठ बोला, कानून पे कानून तोड़ा आप लोगों ने। अब केस से बात दोनों पर बनेगा, यानी कि सिर्फ लड़की वालों पर। कानून के हिसाब से अगर शादी से पहले दुल्हन की सही उम्र लड़के वालों को ना बताई जाए तो लड़के वालों और उनके संबंधियों पर कोई केस नहीं बनता। केस सिर्फ लड़की वालों पर बनेगा, यानी कि आप दोनों पर। अरे गीता, अरे कुछ मुंह मीठा करने के लिए लेके आ। देख तेरी बेटी बुलबुल आई है, मारी बेटी बुलबुल आई है, हस्ताक्षर चुरा के लाई है। साक्षर कहाँ है इसमें चोरी? अरे कहाँ है साक्षर? अभी ने कहा था ना कि हम परिवार के सामने ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारे बीच कोई दिक्कत ना हो। तो फिर क्या हुआ? अभी उन सब के सामने तो आप हमारे साथ कितने रूखे सूखे थे। इतनी बुरी एक्टिंग की, मारे को तो ना पता नहीं सोच कर भी है। सोच के? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7 नवंबर तक का वक्त है, जैसे तैसे बस काट लो। और 7 नवंबर तक ओहो, आप फिर से वही बात कर रहे। मतलब मारा ये मतलब है कि 7 नवंबर तक क्या? तब तक तो हमें साथ में ही रहना। तब तक कैसे रहना है वो सिखा दीजिए मारे को। अभी मासा के सामने आपने तो पूजा में आने से सीधा मना कर दी। उनकी इकलौती प्यारी मासूम सुंदर बिंदी की पहली वट सावित्री की पूजा है, और उसमें आने से आपने सीधा मना कर दिया। लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है, आप तो एक नंबर के जुल्मी कठोर दिल निर्दय। ऐसा मारे को नहीं लगा होगा, मासा को लगा होगा। तुम्हारी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है, ना तुम्हारी इन बचकानी बातों का, ना तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते का। यहाँ तक बात माँ की है, माँ जानती है कि उनका बेटा अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को, अपनी वर्दी को पहला स्थान देता है। हाँ, उनकी नजरों में तुम मेरी पत्नी जरूर हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस देश की सेवा करना, और वो मैं करूंगा। काम है मुझे, पूजा में नहीं आऊंगा। जिस इंसान के साथ रिश्ता ही नहीं बाकी रहा ना, उस इंसान के साथ पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी नजरों में तुम बस मेरी पत्नी हो, सिर्फ उनकी नजरों में नहीं, खाटू श्याम जी की नजरों में भी आपकी पत्नी हूँ। हमेशा मैं ही रहूंगी, अगर भगवान जी खुद आकर भी तंत्र मंत्र फूंक के चले जाए ना, तो भी मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी। और अगर आप सिद्धि प्रताप सिंह हैं, तो मैं भी 65% लाने वाली बुलबुल वीर प्रताप सिंह हूँ।
सावित्री की पूजा तो हम साथ में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्णिका, मैं लेके जाती हूँ। सनमा, आप? हम तो हो गए तैयार। वाह वाह वाह, अरे तुम्हारे चेहरे से मारी नजर ही ना हट रही माय डियर सुलच्छू। वैसे देखिए, मैंने ना लाल रंग आपकी पसंद का रंग पहना है, कैसी लग रही हूँ? बोले तो एकदम झकास। दोस्तों कृपया ध्यान दें, श्रीमान वरदान सिंह से चलकर श्रीमती सुलक्षणा सिंह तक जाने वाली रोमांस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने आंख और कान बंद रखें। और तू अपना मुंह बंद रख, वरना मेरा और तेरे पापा सा का ये है ना, तुझे ऐसे पड़ेगा। चलिए हमें पूजा के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ये बुलबुल, बुलबुल कहाँ है?